ऊपर देखो क्लाउड जैसे लग रहे हैं, जैसे वो स्नोफॉल पड़ी हुई है। गॉड कैसे, मतलब इसको देख के ऐसा फील हो रहा है। ये इनकी इनोवेशन देखिए, ये पेड़ का एक छोटा सा हिस्सा इसकी टेबल बना दी। सही इनोवेशन है ना, इसके लिए पेड़ काटे ना? नहीं नहीं, टूटे हुए पेड़ से। टूटा हुआ पेड़ होगा, पेड़ कौन काटेगा, तो मतलब टेबल ना लिया। वो ये रैबिट तो डॉगी की तरह कर रहा है ना। इतनी इतनी मेहनत ही कर रहा है, कुछ खा पा रहा है? चर्च की फादर लग रही है। इधर हो जाओ। ओहो सेंट्रो, पहली सेंट्रो देखी मेरे भाई। आज से 15 दिन पहले गिरा था ये। अच्छा, अभी भी और गिरेगा ये। हाँ, ज्यादा बारिश हो गया। तुमने अब नामची में एंटर कर लिया है, तो नामची पड़ता है पेलिंग जाते हुए। जब आप गैंगटॉक से पेलिंग की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको नामची, ये भी एक अच्छा शहर कह सकते हैं या कुछ भी, मतलब काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। छोटा सा सिटी है बट ये काफ़ी लाइव सिटी लगी मेरे को, अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम विजिट करने वाले हैं अभी वो है सिद्धेश्वर धाम और साई टेम्पल। आई थिंक दो ये पॉइंट है जो बहुत फेमस है भैया यहाँ पे। This is Namchi for you. Namchi ka police, second ka police hai sab. Namchi Mahotsav 2018 hi, uske baad se kabhi change nahi kiya gaya. 2018 se likha hua hai. Ye to kafi hara bhara shehar lag raha hai. Gangtok jaisa hi. Aaj dekhiye guys, Vishwakarma Day pe ye jagah itni mazedar ho gayi hai. और गाड़ी सजी हुई है, दुकानें सजी हुई हैं, सब लोग एंजॉयमेंट की मूड में।
तो अब हम पहले भैया जाएंगे सिद्धेश्वर धाम। हाँ तो हम चलिए फिर हम सिद्धेश्वर धाम चलते हैं, फिर आपको तब मिलवाएंगे वहाँ शिव जी से डायरेक्ट। लास्ट हमने वैसे शिव जी को वहाँ भी मिले थे हम, कहाँ पे, बाबा मंदिर के पास। बाबा मंदिर के पास भी ऊपर गए थे, वो भी कमाल की जगह थी। ये भी आई थिंक ये काफी हाइट पे है, जो भी वहीं से दिख रहा था, काफी ऊंचाई, काफी ऊंचाई पे है ये काइंड ऑफ मॉल रोड होगी यहाँ की ना, जैसे वो गैंग रोड इस साइड में नहीं है, वो अंदर है, जहाँ में सेंट्रल पार्क लिखा हुआ था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन उसके अंदर है मॉल। अच्छा, छोटा है लेकिन गैंगटॉक से वो छोटा है, पर अच्छी है काफी। तो हम यहाँ से क्या लेफ्ट लेंगे? अभी यहाँ से लेफ्ट लेंगे, वो यहाँ पे दिखा रहा है हेलीपैड भी है। तो यहाँ से गाइस सिद्धेश्वर धाम दिखा रहा है 5 किलोमीटर, और मुझे लगता है काफी स्टीप चढ़ाई होगी तभी हम इतनी हाइट पे पहुंचे। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर सिद्धेश्वर धाम। सो गाइस हम पहुंच गए सिद्धेश्वर धाम, दिस इज द प्लेस। ऊपर देखो क्लाउड जैसे लग रहे हैं, जैसे वो स्नोफॉल पड़ी हुई है। चलो चलते हैं, लेट्स गो गोलू। गोलू आपको स्लीपी लग रही होगी, जो कि कोई नई बात है ही नहीं, डेली की बात है। हर ट्रिप की तरह इस ट्रिप में भी हम शिव जी के दर्शन करने आ गए हैं। शिव जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, है ना? हाँ, हर ट्रिप में। कैलिंगपोंग में भी थे। फ्लैग्स बहुत सुंदर हैं यहाँ, ऑरेंज कलर के फ्लैग्स। दिस इज गोलू, आई नो इट। तो जॉइंट मूर्ति है शिव जी की। हाँ। और आप तो सो रहे थे उस समय। अच्छा। जब हमने नीचे से व्यू देखा है मूर्ति का। अच्छा। बहुत ऊंचाई पे। गॉड, कैसे मतलब इसको देख के ऐसा फील हो रहा है कि सही में ये पूरे मतलब यूनिवर्स को कंट्रोल करते होंगे। हाँ। काइंड ऑफ ऐसा दिख रहा है आसमान में, जैसे ऐसी मूर्ति बल्कि मैं नॉर्थ इंडिया में नहीं देखी, सिक्किम में। दिस इज साइलेंस, सो कुड यू प्लीज मेंटेन द साइलेंस। गाइस कितनी जायंट मूर्ति है ये, जितना हम पास आ रहे हैं लग रहा है और बड़ी होती जा रही है। कितनी होगी वो तो होते ही है। शिव जी को सुंदर बहुत दिखाया ना, जब पहले बाबा मंदिर था वहाँ पे उसके पास भी। हाँ। फेस से सुंदर बहुत। मंदिर के अंदर फोटो लेना प्रोहिबिटेड है, तो गाइस मैं बस यहीं रोक देता हूँ कैमरा, यहाँ तक आपको दिखाते हैं। सो गाइज अभी हम लोग अंदर दर्शन करने गए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है अंदर, इतना कुछ उन लोगों ने मतलब क्रिएटिविटी की हुई थी, शिव जी का सब कुछ दिखाया हुआ था, उनका तांडव वगैरह का रूप जो होता है मतलब वॉल्स में कार्व किया हुआ था, तो बहुत सुंदर था। अनफॉर्चुनेटली हमें शूटिंग करना अलाउड नहीं किया गया, जो कि यूजुअली मंदिर में होता ही है। बाहर बड़ा बड़ा लिखा था कि फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड, सो हम लोग अंदर नहीं लेके जा पाए कैमरा, बट अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल ये टेम्पल था, एंड हम लोगों ने शिव जी पर जल भी चढ़ाया और साथ में हमें प्रसाद भी मिला और हमें टीका भी लगाया। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था,
बहुत ही प्यारी यहाँ जो है मूर्ति है जो हमारे पीछे भी है, बहुत ही प्यारी मूर्ति है, तो वेरी नाइस प्लेस। एंड इसके अलावा यहाँ इतना प्यारा वेदर है, इतना प्यारा, हम आपको दिखाते हैं, इतना ब्यूटीफुल, मतलब यहाँ से दिख रहा है सब कुछ। ऐसे टेंपल में कौन नहीं जाना पसंद करेगा जहाँ से ये नज़ारा है। ये देखिए सामने इतने बड़े जाइंट नंदी जी, जो इनको जो दिव्या को देख नहीं रहते क्योंकि मैंने भी व्हाइट कलर पहना है, उन्होंने भी नेचुरल व्हाइट व्हाटएवर। और ये देखिए यहाँ पे जगह जगह ये काफ़ी सिक्किम स्टाइल, जो मोनेस्ट्रीज का स्टाइल होता है ना, उस स्टाइल के छोटे छोटे टेंपल्स बने हुए हैं। पता नहीं ये अंदर जा सकते हैं, जा सकते हैं, आई थिंक बंद है ये, खाली शो के लिए ऐसे ही होते हैं आई थिंक। देखिए यहाँ का बादल देखना, कोई सफ़ेद है, कोई काला है, कोई क्या है, क्लाउड देखो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एंड अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, इन लोगों ने क्या करने एक स्टाइल के, यहाँ पे इन्होंने साउथ का टच भी दिया है। हाँ ये ये स्कल्पचर देखो, वो साउथ का टच है। हाँ वो साउथ को मैसूर वगैरह में होते हैं ना ऐसे। ये साउथ का टच है और नॉर्थ इंडिया का भी टच हो गया, सिक्किम का अपना टच तो है। तो यहाँ सिक्किम की तरह ये मंदिर भी वाइब्रेंट है। चलिए नीचे चलते हैं। और ये अपना वैसा नॉर्मल लग रहा है। हाँ नॉर्थ इंडिया मंदिर, नॉर्थ इंडिया मंदिर वहाँ दिखाओ, वहाँ हट टाइप की बनी हुई है कुछ। हाँ वो आगे जाके दिखेगा। ये साउथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वी आर डन विद सिद्धेश्वर धाम, काफ़ी खूबसूरत जगह लगी बहुत। आई थिंक ये काफ़ी हाइट पे है, मुझे नहीं आइडिया नहीं है यहाँ की हाइट का, है ना, मुझे लग रहा है ना काफ़ी हाइट पे है ये जगह, लग तो रहा है क्योंकि यहाँ के क्लाउड्स और यहाँ की फॉर्मेशन देख के लग रहा है ये काफ़ी हाइट पे है। तो काफ़ी जाइंट मूर्ति थी यार, मतलब मज़ा आ गया। मतलब देख कर ऐसा लगता है कि कैसे कोई इतनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा टैलेंट है इतनी बड़ी मूर्ति। हाँ काफ़ी पहले की बनी हो क्या पता है। तो अब गाइज आपको मिलते हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी रहेगी साई टेम्पल और उसके बाद सीधा पेलिंग। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड से हाय टू गैलो, सॉरी गोलू।